A very good evening, everyone. Welcome back. My name is Pawan Sharma, and friends, I welcome you to my channel, Voodoo Stock Trainings. And guys, in this video, we would be talking about the intraday stocks for Tuesday. That will be 14th of January 2020. And before we move on, a small disclaimer that all these videos are for your education purpose. So if in case you are taking any trade, then consult with your financial advisor. All right. चलिए बात करते हैं. थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है मैंने, थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि आज निफ्टी का क्या था. ठीक है, तो निफ्टी के बारे में देखते हैं. निफ्टी को पहले आप ध्यान से देखिएगा, ये फोर्थ डे है जब हायर हाई क्लोज बनाया है. तो निफ्टी अपनी हिस्ट्री में कितना लगातार कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम कंसेक्यूटिव हाई पे हाई बना सकता है. उसके बाद में वो जनरली प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है. तो अब वैसे भी 12,300 के ऊपर एक सपोर्ट था, तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो प्रीवियस क्लोज ही आज हमारा 256 पे हुआ है. ओके, जो प्रीवियस क्लोज था, और आज का ओपनिंग देखिए 296 पे हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 40 पॉइंट्स फ्रॉम दैट. तो पूरा दिन में कितना मूव लिया, 30 पॉइंट्स का मूव रहा. जहां से ओपन हुआ था वहां से 30 पॉइंट्स के अराउंड ही ज़्यादा, तो पूरा दिन 30 पॉइंट्स में निकाला. और अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी देखिए कैसे है. ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपने देखा रेंज बाउंड है. जो कल हमने लेवल्स जो चेंज किए थे, आज उसी लेवल में रहा, ना तो ऊपर ज़्यादा गया ना नीचे ज़्यादा गया. ओके, और चलिए थोड़ा बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में. तो सेक्टर्स देखिए, आज रियलिटी ने सबसे टॉप में किया. उसके बाद आईटी भी इसलिए हुआ कि जो इन्फोसिस का जो रिजल्ट था उसने पूरे आईटी का मूड चेंज किया. ऑटो सेक्टर बार बार अप डाउन मूव कर रहा था, बिकॉज ऑफ दैट वी कुड नॉट गेट अ बेटर ट्रेड. ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक्स ने वीकनेस दिखाया है. अगर हम पूरे मंथ को देखते हैं कि पूरा कौन सेक्टर है, तो देखिए रियलिटी टॉप में चल रहा है. तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि रियलिटी और इंफ्रा में बाय मत कीजिएगा. अगर आपके पास रियलिटी या सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो उसको बाय मत कीजिएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अब आपको प्रॉफिट बुकिंग देकर जाएंगे. अगर आपको बाय करना है तो पीएसयू बैंक्स के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा फॉर अ स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ, यू कैन से कि आप हफ्ते में बाय करना चाहें तो हमें पीएसयू बैंक्स और निफ्टी मीडिया में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड, और आईटी और रियलिटी में थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा. ओके, तो ये हमें सेक्टर एनालिसिस हमें बताता है. ओके, तो चलिए बात करते हैं अब आगे स्टॉक्स के बारे में. इसको बंद कर देता हूँ, अदरवाइज वो मैसेज आते रहते हैं एंड दैट एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो सेक्टर्स के बारे में आप समझ गए ना कि जब भी एक सेक्टर बहुत ज़्यादा दिन तक ऊपर रहता है तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़. हमारा पहला पिक रहेगा एमजीएल का. एमजीएल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एमजीएल बार बार इस जो ये 1000 से लेके 998 का जो रेंज है उसी रेंज को बार बार टच कर रहा है और बाउंस बैक कर रहा है. इसकी वजह से मैं एमजीएल को बाय करना चाहूँगा. ओके, सेलिंग तब होगा जब मार्केट भी डाउन रहेगा. जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे गिरे, अदरवाइज जो मेरा पहला पिक होगा इसके अंदर एमजीएल में वो बाय की तरफ ज़्यादा होगा. सो मेक श्योर यू फोकस मोर ऑन बाय एंड लेस ऑन दिस सेलिंग सर. ओके, एंड फॉर दैट वी विल बी बाइंग अबाउट, वंस इट क्रॉस 1015 स्टॉप लॉस विल बी 1005, टारगेट विल बी 1025 एंड 1035 का सेकेंड टारगेट रहेगा. एंड इफ मार्केट विल बी वीक एंड बिकॉज ऑफ दैट एमजीएल नीचे जाता है तो आप 995 के नीचे इसको सेल करेंगे. स्टॉप लॉस आप रखेंगे 1005 का, टारगेट विल बी 985 एंड 975 का सेकेंड टारगेट रहेगा. और गाइज अगर आपको मेरे से लाइव सपोर्ट चाहिए लाइव मार्केट में, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, लेकिन अगर आपको मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा जो जनरल टारगेट रहता है वो 1-2% रहता है, उतना आपका पूरा कैपिटल का आराम से कमा सकते हैं. आप उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, इट इज़ वेरी मच ईजी टू अर्न 2% पर डे. तो उतना टारगेट के लिए आप आराम से अगर फोकस करेंगे तो कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, आई कैन गारंटी यू दैट. लेकिन हमारा क्या होता है, चेज करते हैं बड़े से बड़ा टारगेट, जिसकी वजह से हम अपने आप को अननेसेसरी रिस्क में रखते हैं और उसकी वजह से हम जो नॉर्मली हमारा लॉस ज़्यादा रहता है. ओके, चलिए आगे बात करते हैं आईसीआईसी प्रू लाइफ की. आईसीआईसी प्रू लाइफ ने क्या किया है, जो इनके लॉस मेकिंग स्टॉक्स थे उसमें से इन्होंने अपना आज पल्ला झाड़ लिया है. विच मीन्स आईसीआईसी प्रू लाइफ बहुत जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसमें से येस बैंक था और कुछ और स्टॉक्स थे. आज उसकी जो येस बैंक था, डीएचएफएल भी सुनना था कि दे हैव इन्वेस्टेड इन डीएचएफएल ऑल्सो, तो वहाँ से इन्होंने अपना पैसा आज निकाल लिया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट
इट विल राइज बिकॉज अब ये नए स्टॉक्स में अपना पैसा पंप करेंगे विच विल गिव देम बेटर ग्रोथ। तो आप देखिए बात, इस बात से एक और बात समझ में आएगी कि ICICI प्रू लाइफ जैसी बड़ी कंपनी जिनके पास सारे एनालिस्ट से महंगे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बेस्ट मार्केट एनालिस्ट हो सकते हैं, उनको भी लॉस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फोकस करते हैं ट्रेड्स को तो अपना रिस्क निकाल कर रखिए। अब ये भी एग्जिट कर रहे हैं विच मीन्स दे नो देयर रिस्क, इससे ऊपर नहीं जाएंगे ये, तो बिकॉज ऑफ दैट दे विल नाउ एग्जिट। और अब इसमें मूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिलेगा, तो हम इसको बाय करेंगे ICICI प्रू लाइफ को 500 के ऊपर, 495 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट विल बी 505 एंड 510 का सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर ICICI प्रू लाइफ ब्रेक करता है 493 को, सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 498, टारगेट विल बी 488 एंड 483 का सेकंड टारगेट हमें देखने को मिलेगा। मैंने ICICI प्रू लाइफ को आपको आज स्विंग ट्रेड के लिए भी दिया है अपने टेलीग्राम चैनल में, उसका जो लिंक अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो आप यू कैन ज्वाइन में दिया। तो मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बड़ा टारगेट करेंगे 10%, 5%, 20% का टारगेट अगर लेके चलेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट, और उसको अचीव करने के चक्कर में जितना आपके पास पैसा होता है चला जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा ध्यान दीजिए, टारगेट्स पे कम ध्यान दीजिए, जो पैसा आपकी जेब में है पहले उसको बचाइए, बाद में आएगा वो तो हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए पैसा होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए पैसा होगा ही नहीं तो करेंगे क्या। आज मैंने क्या किया था, जैसे आपको पता है कि कल मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को लिया था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को मैंने क्यों लिया था, जैसे मैंने आपको बताता हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को, जैसे 21 का मूविंग एवरेज करते हैं यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल, ओके, और यहाँ पे मैं बालकृष्ण करता हूँ, और यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अपने वीडियो में बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ भी है कि जब इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुआ, बाउंस कर गया, फिर ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन इसके ऊपर उसके बाद क्लोजिंग नहीं हो पाया, तो आई वॉज एट दैट पॉइंट व्हेन आई टुक दिस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। उसके बाद देखिए एक बार अप मूव लिया, उसके बाद एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिला, ज़्यादा बुक नहीं कर पाया बिकॉज मार्केट वॉज राइजिंग एंड इट वॉज टू वॉलेटाइल, पर फिर भी याद रखिएगा प्रॉफिट जो भी है अच्छा है। उसके बाद सेल में एक थोड़ा सा रिस्क लिया विच आई गॉट एंड स्मॉल प्रॉफिट एंड एग्जिट। सेम इफ यू लुक एट माई स्टूडेंट्स प्रॉफिट ऑल्सो, 750 का, 2100 का, 1700 का। तो क्या होता है, जैसे ही प्रॉफिट आपका आता है, जैसे ही आपके प्रॉफिट्स आपके पास मिलते हैं आप उनको बुक कीजिए ना। उसके बाद सेल ऊपर चला गया था, जब मैंने नीचे बुक किया था आई थिंक 449.75 या 65 का समथिंग था, तो उसके बाद इट वंस अगेन बैक टू 50.25.30 विच मीन्स आई माइट बीन लॉस अगर मैं इसमें रुकता। तो जो पैसा आ रहा है उसको बुक कीजिए, बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा इस फोकस पे रखिएगा। और गाइज अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आते रहे, वीडियो जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में सो दैट आई कैन शेयर विद यू, सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट येस दे विल बी देयर। ICICI बैंक, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो हम सेक्टर एनालिसिस चेक कर रहे थे, तो अभी हमारा जो वीकनेस है वो फाइनेंशियल सेक्टर्स में है और PSU बैंक्स में है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी है ऑन द अपसाइड, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए टाइम चाहिए अब हमें, ठीक है। देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 520 लेके 550 को दो ही कैंडल ने क्रॉस किया था, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ वी विल सी सम प्रॉफिट बुकिंग कमिंग इन। तो दैट्स वाई आई एम कीपिंग ICICI बैंक एज माई नेक्स्ट पिक। तो ICICI बैंक को अगर मार्केट देखिए वॉलेटाइल तो हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है एक्सेप्ट आवर इकोनॉमी स्लो डाउन, हमारे पास कोई बैड न्यूज़ नहीं है। सो इफ इन केस इट गोज अप देन बाय अबाउ 542, स्टॉप लॉस रहेगा 537 का, टारगेट विल बी 547 एंड 552 का सेकेंड टारगेट रखिएगा, एंड इफ इन केस इट ब्रेक 535 सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 540, कीपिंग योर फर्स्ट टारगेट एज 530 एंड सेकेंड टारगेट एज 525 ऑन द सेल साइड। ऑलराइट एंड गाइज, इफ यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, कैसे सेक्टर्स को चेक करते हैं, कैसे आप निफ्टी के टारगेट्स निकालते हैं, ये सब चीज़, देन इट इज ऑल अबाउट चार्ट रीडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से आप आराम से 6 months टू 1 year तक के स्टॉक्स निकाल सकते हैं, गोइंग फ्रॉम इंट्राडे टू स्विंग ऑल्सो, 1 week, 1 month, 3 months, 4 months ऑल्सो, ओके, यू कैन डू दैट। सो इफ इन केस यू आर लुकिंग टू लर्न द चार्ट ट्रेडिंग एंड स्टॉक सिलेक्शन, देन यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसके लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम चल रहा है हमारा जो वीकेंड का है,
दसवें हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में। मार्केट कहाँ जा रहा है यू डोंट नो, तो भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू कमाएंगे। मार्केट कहाँ है यू डोंट नो, तो भी आप ऊपर जाने की अंदाशा है चले ठीक है, नीचे गया देन ऑल्सो यू विल नॉट बी मेकिंग लॉसेस, यू विल एग्जिट इन द मिनिमम पॉसिबल लॉस। तो ये होती हैं स्ट्रैटेजीज, जिसके लिए आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा इन डिटेल, रेस्ट इज ऑल स्पेकुलेशन, कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। मार्केट जैसे स्पेकुलेट करते हैं बस उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं, कोई टेक्निकल एनालिसिस आपको काम नहीं करती है। ओके, सो फॉर दैट यू कैन वंस अगेन कॉल ऑन द नंबर टू नो मोर अबाउट आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, अगला हमारा है गोदरेज जेसीपी। लास्ट कैंडल देखिए गोदरेज जेसीपी में क्या देखने को मिला है, एक इससे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स कंटिन्यूसली ग्रीन ग्रीन एंड आफ्टर दिस वी गॉट वन इनडिसिसिव कैंडल। ये एक ऐसा सिचुएशन होती है वेयर इन वी कैन हैव फर्दर अप मूव और अ डाउनफॉल ऑल्सो, तो उसके लिए हम गोदरेज जेसीपी को बाय करेंगे 747 के ऊपर। 740 वुड बी योर स्टॉप लॉस, 754 फर्स्ट टारगेट, 760 सेकेंड टारगेट रहेगा। एंड इफ इन केस गोदरेज जेसीपी ड्रॉप 737, सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 744 एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी 730 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 723। अ स्मॉल रिकैप, मैंने आपको जो मेरे टेलीग्राम पे थे उनको ऑन कॉस्ट एग्जिट करा दिया था बिकॉज मार्केट वॉज टू वॉलेटाइल, बट इट हैज़ हिट बोथ आवर टारगेट एंड टाटा लेक्सी एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड वेंट बियॉन्ड द टारगेट्स ऑल्सो। वोल्टास को भी एग्जिट ऑन कॉस्ट हुआ है और मदर्स में तो ट्रेड हुआ ही नहीं, क्योंकि लास्ट में जाके लास्ट हाफ एन आवर में या वन आवर में जो भी हुआ था वो तब हुआ था, तो तब तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बुकिंग योर प्रॉफिट्स ऑन टाइम। अगर मैं ध्यान से देखूँ, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट गिव अ मोमेंट गाइस, एक मिनट रुकिए, नहीं नहीं छोड़िए, क्योंकि मैं आई थिंक मैंने अराउंड 9:40 पे अपने ट्रेडिंग बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं ना उसके बाद में, यू कैन हैव रिलैक्स माइंड। पूरा दिन बैठेंगे तो माइंड को प्रेशर बहुत रहता है, आपको यू डोंट नो द काइंड ऑफ प्रेशर यू टेक, अननेसेसरी प्रेशर यू टेक वाइल ट्रेडिंग फॉर द एंटायर डे। पूरा दिन बैठने से आपके माइंड पे 100% प्रेशर रहता है और जितना भी आप ऑन करेंगे फर्स्ट आवर में वो सारा का सारा मार्केट को देख जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है जब भी मार्केट में, समझिएगा जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी प्रॉफिट लॉस की, वो जब तक आप लिमिट रखेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, जब आप उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हमेशा लॉस रहेगा, याद रखिएगा। अच्छा, अगला मेरा जो टेक्निकल प्रोग्राम है वो है मुंबई में 1 February और 2 को, एंड वेन यू विल बी होटल सुबह गैलेक्सी अंधेरी ईस्ट, एंड देन इट विल बी इन हैदराबाद 15 February and 16। And in case you are looking for the workshop details and to join them, then you can call us on 9711-411-007 और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में, इंडेक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अब हम हर रोज डिस्कस करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डबल हो जाएगा, बट सेकेंड हमारा रहेगा हमेशा जहाँ पे हम ऑप्शन चेन को बात करेंगे। ओके, ऑप्शन चेन हमने कल देखा था कि 300 का एक मैक्सिमम सपोर्ट था, जैसे मैंने आपको कहा था कि 300 के ऊपर बाय कीजिएगा क्योंकि वहीं से मूवमेंट शुरू होगा, अगर वो उसके नीचे रहेगा तो रेजिस्टेंस बना रहेगा। ओके, प्रेशर बना रहेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है, अब देखिए यहाँ से तो ज़्यादा इधर अनवाइंडिंग हो चुकी है, इधर तो अनवाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है। अनवाइंडिंग का मतलब है कि अब मार्केट को लगता है कि ये ऊपर ही क्लोज होगा, नीचे नहीं होगा, ये बुलिशनेस का साइन है। तो बुलिशनेस का साइन है तो 350 के ऊपर बाय करेंगे क्योंकि यहीं पे इसके पास नेक्स्ट हमारा टारगेट निकल के आएगा और 400 तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं कल ही। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे 12,300 के और 12,200 का जो वो है, लेकिन 300 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो कल भी हम ये मान के रखेंगे कि मार्केट 12,300 के अराउंड ही रहेगा और इट कैन ऑल्सो राइज टिल 12,400। ये अभी हमें पुट राइटिंग बता रहा है। ओके, और बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में तो अभी मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट तो 32,220 पे बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे 32,220, और आज का जो क्लोजिंग है वो आ रहा है 170 का जो क्लोजिंग है इन बैंक निफ्टी, सो वो 170 का बैंक निफ्टी क्लोजिंग आ रहा है, सो विच मीन्स 32,200 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। और देखिए यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई खास नहीं है, हाँ 32,000 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, दिस विल बी द सपोर्ट विच यू आर लुकिंग एट। तो अगर ये 32,000 को ब्रेक करता है देन
इट विल फॉल रियली वेरी फास्ट, लेकिन हो सकता है कल का पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहे, जिसमें 32 से लेके 32,200 के बीच में ही ट्रेड करे बैंक निफ्टी, जो हमें ऑप्शन चेन से मिल रहा है। लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, दिस इज नॉट अ बेंचमार्क, दिस इज जस्ट द एनालिसिस विच वी डू ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन। सो वंस अगेन लेट्स लुक एट द लेवल्स नाउ। निफ्टी को बाय करेंगे 350 के ऊपर, बिकॉज वही उसका रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, उसके ऊपर ही वो आगे मूव करेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 12,400, विच विल बी अ फिजिबल टारगेट, आप अपने प्रॉफिट वहां बुक कर लीजिएगा। और एक बार पुश करेगा तो इट माइट राइज वंस अगेन टू 12,430। ओके, स्टॉप लॉस यू कैन कीप ऑफ 12,320 का। और अगर निफ्टी ब्रेक करता है 12,290 को, बिकॉज 300 के नीचे सपोर्ट रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 12,240 का और 12,200 का सेकंड टारगेट रहेगा। व्हाई? बिकॉज वही हमारे पास 300 के नीचे ही हमारे पास कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा इन निफ्टी। अगर आपने देखा होगा उसके नेक्स्ट जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 12,300 के नीचे ही आ रहा है। ओके, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी दो दिन से रेंज बाउंड है, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ऊपर नहीं जा सकता, प्रॉब्लम ये है कि अब उसके पास रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, अब उसका जो रेसिस्टेंस है वो जनरली 32,400 के ऊपर जाएगा तभी, और मेजरली 32,500 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी उसके अंदर काफ़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा इन बैंक निफ्टी। तो कल हम ये देखते हैं कि अगर वो नीचे गिरेगा, 177 का है क्लोजिंग, तो अगर वो 32 को नीचे चला जाता है तो हमारे पास बड़ा रेंज बनेगा, और अगर वो 250 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमारे पास 450 से लेकर 500 तक की रेंज आराम से देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को बाय करेंगे 32,50 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 32,350, सेकेंड टारगेट रहेगा 32,450, स्टॉप लॉस रहेगा 32,200 का। और अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 32,75 के नीचे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 950 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 31,850 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 32,125 का। ओके, एंड गाइस कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, डोंट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। और अगर आपको लाइव सपोर्ट चाहिए तो यू नो द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अलॉन्ग ऑन माई वेबसाइट ऑल्सो। और अभी कुछ अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं आप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग में, तो अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट यू कैन ओपन द अकाउंट थ्रू दैम। क्योंकि अभी जो सुना है कि HDFC सिक्योरिटीज ने वो लिवरेज बंद कर दिया है आज से ही, ओके, बट 8% तक कैप कर दिया है, बट स्टिल वी आर गेटिंग गुड लिवरेज फ्रॉम द अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा। ओके, सो इफ इन केस यू आर लुकिंग देन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और वेबसाइट के ऊपर भी। दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज, आई विल सी यू इन टू माई नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।